नमस्कार, मैं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज 9 लाइव टीवी पर बिग बुलेटिन। बिग बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बाघ के हमला करने से वाचर की हुई मौत। वहीं समूचे उत्तराखंड में बिजली के लिए हाहाकार, कई शहरों में 8 से 18 घंटे तक बिजली गुल। सीएम हेमंत ने केंद्र सरकार पर लगाया संगीन आरोप। निर्भया के दोषी पवन गुप्ता की याचिका पर कोर्ट ने पुलिस से मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट। वहीं 14 मार्च को होगी समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक। आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। वहीं कोरोना वायरस को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने ली सभी जिला अधिकारियों की क्लास। कोरोना वायरस को लेकर बोले स्वास्थ्य मंत्री, विदेश से आए लोगों की हो रही है निगरानी। वहीं उत्तराखंड हिमाचल में लगातार हो रही बारिश, बर्फबारी की चेतावनी हुई जारी। आम आदमी पार्टी ने विधायक दिनेश मोहनिया को बनाया उत्तराखंड का प्रभारी। वहीं सिंधिया के पार्टी छोड़ने पर बोले भूपेश बघेल, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता।